राजकीय पशु प्रजनन प्रक्षेत्र नरियाल गांव, इसकी स्थापना वर्ष 2012 में तत्कालीन पशुपालन मंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के विजन में हुई थी। और उस साल से लेके आज तक हम लोग बद्री गाय का संरक्षण और संवर्धन करते आ रहे हैं। इसी फार्म के प्रयासों में एक प्रयास जब ये जुड़ा कि फील्ड परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग बद्री गाय में शुरू की गई वर्ष 2017 में, और उस फील्ड परफॉर्मेंस रिकॉर्डिंग से जो एलीट काउज हमने सिलेक्ट की उनके जो नर बछड़े थे उनको यहाँ से DFS श्यामपुर भेजा गया, और वहाँ जब उन्होंने सीमन उत्पादन उनसे शुरू हुआ तो बद्री गाय का सेक्स सॉर्टेड अस्तित्व में आया, और उसी सीमन का इस्तेमाल करते हुए इसी साल वर्ष 2021 में जनवरी से हमने इस सीमन का यूज़ करना शुरू किया। और अभी तक हमारा जो रिजल्ट है इसमें सेक्स सॉर्टेड सीमन में 100% हमारे यहाँ बछिया ही उत्पन्न हुई है। अभी तक लगभग 8 बछिया उत्पन्न हो चुकी हैं, और आगे भी हमने प्रेगनेंसी डायग्नोसिस किया हुआ है, उसमें भी ज़्यादातर गाय जो है प्रेग्नेंट है और बहुत अच्छे रिजल्ट इनके आ रहे हैं। और एलीट जो बछियाएँ हैं वो हमें उत्पन्न वो यहाँ पर उत्पन्न हो रही हैं और उनका इस्तेमाल आगे किया जाएगा। सीमन से हमें ये फायदा हो रहा है कि जो पहले हम नेचुरल सर्विस से बच्चे उत्पन्न करते थे तो उसमें 50 मेल्स 50 फीमेल्स पैदा होती थी, लेकिन ट्रिपल एस से ऐसा हुआ है कि अब सिर्फ फीमेल्स पैदा हो रही हैं, तो जो नर बच्चे जो पैदा होते थे जिनको हमको कल करना पड़ता था, पालना पड़ता था, अब वो हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे प्रक्षेत्र को काफ़ी आर्थिक मदद मिलेगी।